मनसे नेता बाला साहब शिंदे ने आज एमआईडीसी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए दस्तावेजों का श्राद्ध किया। मनसे नेता ने कहा कि एमआईडीसी में 3000 पेड़ काट दिए गए, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पितृपक्ष में उनके भ्रष्टाचारी मानसिकता का विरोध करते हुए श्राद्ध करना पड़ा। एमआईडीसी में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई अभी भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। महाफे के एमआईडीसी कार्यालय गेट पर चल रहा मनसे का अनूठा श्राद्ध आंदोलन है, जो एमआईडीसी परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ चल रहा है। मनसे नेता बाला साहब शिंदे के नेतृत्व में पर्यावरण सेवाभावी संस्था के कार्यकर्ता यहां एमआईडीसी ऑफिस गेट पर मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उन ठिकानों पर सांकेतिक श्राद्ध तर्पण भी किया जहाँ विकास के नाम पर 3000 से अधिक पेड़ों का कत्लेआम किया गया। पर्यावरण सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष बाला साहब शिंदे ने कहा कि एमआईडीसी अधिकारियों का जमीर मर चुका है, यही वजह है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी विकास के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई कराने का सिलसिला जारी है। उन्होंने एमआईडीसी अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए खुली चेतावनी दी कि यदि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई तो वे और भी तीव्र आंदोलन करेंगे। जे काम चालू आहे ते काँक्रीटीकरणाचं काम चालू आहे। काँक्रीटीकरणाचं काम चालू असताना तिथे रुंदीकरण नाही, त्याच्यामुळे काँक्रीटीकरण आणि नाल्याच्या बाजूला असणारी जी झाडं आहेत ही झाडं जवळजवळ 50 वर्ष जुनी आहेत आणि या झाडांना कुठंही कामामध्ये अडथळा येत नसताना यांच्याकडून अवैध वृक्षतोड केलेली जात आहे। प्रकल्प चालू असताना 2829 झाडं तोडण्याचा हा घाट एमआयडीसी प्राधिकरणाने घातलेला आहे। अधिकाऱ्यांच्याकडून सरासर उडवाउडीची उत्तर आहेत, ते सरळ सरळ सांगतात की आम्ही वृक्ष प्राधिकरणाची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही, तरी पण यांची वृक्षतोड चालू आहे आणि या विरोधात आम्ही आज त्यांना जाब विचारलेला आहे। 6 महिन्यापासून आम्ही पाठपुरावा केलेला आहे, आंदोलनं केलेले आहेत, निवेदन दिलेलं आहे, परंतु यांना कुठल्याही प्रकारची जाण नाही आहे। हे निर्डावलेले अधिकारी आहेत, म्हणून आज आम्हाला पर्यावरण सेवाभावी संस्था आणि नवी मुंबईतील तरुण तमाम पर्यावरणप्रेमी यांच्या माध्यमातून इथे अभिनव पद्धतीने पितृपक्षामध्ये श्राद्ध घालावं लागलं आणि येत्या मंगळवारी आम्ही अधिकाऱ्यांना घेऊन संयुक्त पडताळणी करून लवकरात लवकर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जे झाडं तोडलेले आहेत त्या अधिकाऱ्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।